कोटा डीलर के खिलाफ ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, सोपा डीएम को ज्ञापन। रामपुर के थाना अजीम नगर क्षेत्र के ग्राम डोकपुरी टांडा के दर्जनों भर ग्रामीणों ने रामपुर कलेक्टर पहुँच कर कोटा डीलर के खिलाफ राशन कार्ड के वितरण करने पर अवैध रूप से रुपए वसूल करना एवं आदि सूचियों के राशन कार्ड न देकर उनका राशन हड़पने का आरोप लगाया। गांव के ही मुरारी लाल लोधी ने बताया। मुरारी लाल लोधी कहाँ रहे थे? डॉक्टर टांडा। अच्छा, क्या मामला है? आज ज्ञापन सौंपा है, क्या है मामला? ये है मोहम्मद फहीम नेत्रहीन है, हमारे रसूलपुर का डिपो होल्डर, उसका सहायक है अफसर अली नायब। वो दबंगई गुंडई से जो है राशन बांटने का उस पर सहायक है, और उसमें जो है लोगों के जो 612 राशन कार्ड बने थे उसमें उसने सारे राशन कार्ड कार्यालय से ला कर रख लिए और 300 राशन कार्ड वितरण कर दिए और 325 राशन कार्ड उसने अपने घर पर दबा कर रखे और उनको जो है राशन उन्होंने मना कर दिया। आज कल से बट रहा है, उनसे कह दिया तुम्हारे राशन कार्ड जब मिल जाएंगे तब तुम्हें राशन मिलेगा। वो राशन हड़पना चाहता है। माह फरवरी का उसने 1300 लीटर तेल ब्लैक कर दिया और जो उससे कुछ कहता 3 किलो राशन दे रहा है उन कार्ड वालों को भी, जो कार्ड वाले 300 को वितरण कर रहे हैं उनको 3 किलो दे रहा है जबकि सरकार का 5 किलो यूनिट का कहना है। और राशन के दर 4 रुपए किलो गेहूं और 6 रुपए किलो चावल, पैसे अधिक वसूल रहा है। जो अंतोता कार्ड है उनसे 30 किलो राशन, किसी को 25 किलो राशन देता है। तो ये कितने समय से है कोटा डीलर? कोटा डीलर ये लगभग 6-7 साल से है। तो कहाँ बांटते हैं ये? डोकपुरी में बांटते हैं। रहने वाले नाम है? रहने वाले रसूलपुर, डीप होल्डर रसूलपुर का है और सहायक उसका खेमपुर का है। खेमपुर का कौन है? माने अफसर अली नायब। अच्छा, सहायक। क्या आश्वासन दिया गया आपको जब आपने एप्लीकेशन दी? आश्वासन ये दिया गया कि इसकी जांच कराकर इसका कोटा निरस्त कराया जाएगा अगर इसने तेल ब्लैक किया है और राशन अगर नहीं गरीबों को दे रहा है और सरकार के विरुद्ध अगर कार्य कर रहा है तो इसको निरस्त किया जाएगा।